गुड इवनिंग गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा समय को आप देख के पता चल गया होगा कि कितना अंधेरा है और इस वक्त टाइम बताया जाएगा। तो अभी तो आपका फिलहाल 9 बज गया, तो अभी 9 बजे को जो हम लोग रात को जो जा रहे हैं ना, उसका कुछ अलग ही प्लानिंग है। तो वो प्लानिंग क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, और क्या प्लानिंग है, किसके लिए जा रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। तब तक फिर आप मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे। इस बारिश का मौसम में क्या मौसम है आप बाग। जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया रोड्स को, लेकिन क्या करें अंधेरा भी है ना, तो ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा जैसे ऐसे ऐसे सिचुएशन में। तो मिलते हैं आपको अपने मंजिल में जब पहुँचने के बाद, तब तक के लिए बैठते रहो। हम अपने मंजिल के बहुत ही पास में हैं, तो यहाँ हमारे भैया लोग दोस्त लोग गाड़ी पार्किंग करते हुए, और थोड़ा मेरा शक्ल को भी लाइट इधर थोड़ा दिखा दो, मेरा शक्ल को भी थोड़ा दिखाएंगे हम। तो आज हम जैसे कि ईटानगर से यहाँ आया है, तो स्पेशली इसके लिए आया है, इसके लिए ये है। आज ये हमारा दोस्त यहाँ से विदाई हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा साथ देने के लिए आया है। और यहाँ जितना भी ये सब देख रहा है ना, सब मेरा फैंस है। तो पप्पू कैसा चल रहा है बताओ, मेरा फैंस तो बहुत अच्छा है। हाँ, नया नया वो ट्राई किया है कुछ के लिए। हाँ, तो शादी करने जा रहे हैं हम भी। तो अभी हम लोग अभी आगे का प्रोग्राम क्या है? आगे का प्रोग्राम रोहित करो, चाय पानी पियो, उसके बाद निकलते हैं बारात के लिए। बारात के लिए तब तक बने रहे, प्रकार का है डेकोरेशन। क्या है बताओ, समझे माजे माजे। और बारिश आने पर क्या कर सकते हैं, टोपी भी पहन सकते हैं ना, इसको पहन सकते हैं। बहुत सारा लोग यहाँ पर आते हुए, ये आपका रिसेप्शन है एक तरफ से कहा जाएगा, तो देख सकते हैं ये इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि ये है मेरा भांजा, और ये आया है बालीजन से, और ये है तनी भैया आया है जीरो से, 2000 किलोमीटर पार करके आया है, इसको हम लोग नाम से बुला जाता है। क्या नाम से बुलाया जाता है? ये बिजी है अपने फोन पे। तो अगर कुछ भी जरूरत हो रहे थे इसको कांटेक्ट करो, 9862340। हाँ, नोट कर लेते। और ये मेरा छोटा छोटा फैंस, क्या नाम है भाई, क्या नाम है? डिविजिट बोरा। और भाई भाई का नाम क्या है? सुशांत। अच्छा, प्यारा नाम है। सब लोग अपना अपना नाम बताएगा हाँ, क्योंकि ये लोग स्पेशल इनवाइटिस है, ये जितना भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उनसे जानते हैं उनका अपना अपना नाम। बताइए आपका नाम क्या है? सुजीत पाल। हाँ, और आपका? मेरा नाम धीराज। और आपका? संजय देवमारी। यहाँ क्या करने आया है? शादी किसका? अरे आप लोग अच्छी का शादी है ना, पप्पू अच्छी का शादी है। पप्पू अच्छी का शादी है, पूरा अभी डांस करेंगे ऐसे ऐसे। और अभी आगे का प्लानिंग क्या है? भैया मेरा भी यूट्यूब में चैनल है, धीराज बोल के, धीराज ब्लॉग बोल के, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। हाँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना। तो आप लोग बने रहिए भैया के साथ, यहाँ पर शादी का एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं। Thank you.
तो यही है मेन प्रोग्राम का, तो आप देख ही रहा होगा मेरा सामने में ये सब जितना भी है, ये इसका इन सभी का बलिदान दिया जाएगा। ये जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये डाइनिंग हॉल है। हमारे दूल्हा को देखने के लिए यहाँ पर सारा लोग जमा हो गया, चारों तरफ। यहाँ हमें स्वागत हमारे बिल्कुल सामने दुल्हन का घर। हाँ, एंट्री इस प्रकार का है जो बहुत ही ब्यूटीफुल से बनाया गया। यहाँ आते हैं हम लोग को ये खाने को मिला, दाल है और ये कुछ सेल होती है। अभी हम दूल्हा को देखने जा रहा है, दूल्हा को, दूल्हा दुल्हन को। तो ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है और हम यहाँ। अभी यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ कम होते हुए धीरे धीरे करके सब हमारा पप्पू बाबू जी उस तरफ मुड़ के एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। कुछ हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है। तो आज का अपडेट तो यही है। तो यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि सुबह का 3 बजेगा बोल रहे हैं, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे मेरे पीछे में बहुत सारे लोग होने के कारण से मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ ताकि आप लोग से बात कर सकूँ। लंबा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, क्या होगा? तो बाबू तुम जीतेगा, बाबू चलो 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 चलो।
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इसलिए कि कल हम जहाँ पर हम वेडिंग के लिए गया हुआ था असम गोपुर, तो जैसे कि हम बताया गया था कि दुल्हा दुल्हन के घर दुल्हन को लेने के लिए गया था रात को, तो उसके चलते वहाँ कुछ कुछ अपना नियम करते करते मतलब रात का सुबह का 3 बज चुका था, यानी कि उनका जो प्रोग्राम था वो कहना है लड़की का तरफ से कहना है कि दुल्हन का तरफ से कहना है कि जब तक सुबह 5 नहीं बज जाएगा तब तक उन लड़की को लेके जाने नहीं देगा बोल के, तो उन लोग का एक तो नियम होता है बोला है। तो उसके चलते हम 3 बजे तक वहाँ रुका लेकिन तो नहीं हो पाया, और बहुत जितना भी मेरा हमारा एनर्जी था और जो थोड़ा बहुत एनर्जी बचा हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका था, और नींद के मारे तो उपाय ही नहीं हो रहा था, तो उसके चलते हम वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद रात भी काफ़ी हो गया था और बारिश भी साथ में दे रहा था, तो उसके चलते मैं आपको ठीक से बता नहीं पाया और आपका वीडियो को भी एंड करना भूल गया, क्योंकि बिल्कुल भी कैमरा को पकड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं अभी सुबह उठा और आपसे अभी बात कर रहा हूँ। तो सॉरी गाइस कि सॉरी इसलिए कि वो क्योंकि दुल्हा को ठीक से साथ में इंटरव्यू नहीं ले पाया, क्योंकि उन लोग का नियम है कि ज़्यादा जब वेडिंग के समय में ज़्यादा बात नहीं किया करता है, तो थोड़ा बहुत मैंने लिया है, तो जितना मैंने ट्राई किया वो कोशिश किया तो अच्छा लगता है, तो ठीक है अभी एंड करने का समय आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द, और जो 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 नए हैं मेरे चैनल पे वो क्या करना है सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।